थानेवाड़ा क्षेत्र में दो बदमाशों ने जमकर आतंक मचा है। चार दुकानों में चाकू लेकर घुसे, एक दुकान में नकद करीब 7,000 रुपए लुटकर फरार हो गए। दोनों को अजनी और बेलतरोड़ी पुलिस ने पीछा कर दबोच लिया है। आरोपियों का नाम शुभम फुलचेले और शुभम चौधरी बालाजी नगर निवासी है। पुलिस के अनुसार शनिवार को शाम करीब 6 बजे आरोपी शुभम और उसका साथी शुभम चौधरी बाइक से मानीवाड़ा चौक बेसा रोड के बीच हैप्पी फूड्स नामक दुकान आए थे। एक आरोपी बाइक पर बैठा था और दूसरा चाकू के साथ दुकान में घुसा और करीब 7,000 रुपए लूट ली। पश्चात दोनों ने मानीवाड़ा चौक पर पेट्रोल पंप पर लूटपाट का प्रयास किया। इतना ही नहीं, इसके बाद दोनों ओमकार नगर चौक पहुंचे और यहां पर तंतु सावजी नामक भोजनालय में भी लूटपाट का प्रयास किया। यहां भी प्रयास असफल होने पर आरोपी बेलतरोड़ी की ओर जाने वाले मार्ग पर शारदा डेयरी पर पहुंचे और कांच फोड़कर अंदर घुसे। इस दौरान लोग जमा होते ही दोनों आरोपी बाइक पर सवार होकर भाग निकले। कांच पैर से फोड़ने के कारण शुभम फुलचेले का पैर जख्मी हो गया था। उसे उपचार के लिए मेडिकल में भर्ती किया गया है। घटना के समय दोनों नशे में थे। अजनी थाने में दोनों आरोपियों पर लूटपाट का मामला दर्ज करने का आदेश दिया गया है। आज रोजी मानेवाड़ा चौका मध्ये लूटमार झाल्याचा एक कॉल होता आणि मग आम्ही आमच्या पथकासह सदर घटनास्थळी गेलो असता मानेवाडा पेट्रोल पंप आणि अजून 2-3 ठिकाणी असाच लुटमारीचा प्रकार झाल्याचे लक्षात आले। त्याच्यानंतर आरोपी गुन्हे करत पुढे पुढे जात होते आणि त्याचा पाठलाग करत आमचे डीबी पथकही होतं आणि त्यानंतर मानेवाडा आणि शताब्दी चौकाच्या मध्ये ओंकार नगर चौक जो आहे त्या ओंकार नगर चौक ते बेलतुर्डी रोड या रोडवर देखील सदर आरोपींनी अशाच प्रकारची लूटमार केल्याचे समजल्याने डबी पथकासह त्या ठिकाणी गेलो। त्या ठिकाणी शारदा डेअरीजवळ आरोपींनी त्यांची मोटरसायकल आणि हत्यार टाकून दिले आणि झाडीमध्ये पळाले ते। त्यानंतर त्यांचा पाठला करून त्यांना ताब्यात घेतलेले आहे। कॅमेरा पर्सन अखिलेश भारद्वाज के साथ अभिषेक पांसे की रिपोर्ट।